खुद सजग हैं। आप भी देखते होंगे कि महासमुंद में कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि अब बिजली नहीं पहुंचा होगा। मेरे महासमुंद विधानसभा के 210 गांव हैं, तो 210 गांव में बिजली पहुंच चुका है। महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में बिजली में कोई नया विद्युत केंद्र नहीं खुला अभी तक, न 220 का, न 132 का, न 33/11 का। हम लोगों ने 15 साल में जो विद्युत केंद्र विस्तार किया था हमारे कार्यकाल में से लेकर 15 साल के कार्यकाल में, वही काम दिखता है, वही काम हुआ है और आने कोई उपलब्धि नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है बस, बाकी कोई काम दिखता नहीं बिजली क्षेत्र में। पढ़ाई का स्तर देख तो बढ़िया बढ़ गया है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि महासमुंद में मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत करा लिया, खुल गया, पढ़ाई शुरू हो गई। एग्रीकल्चर कॉलेज महासमुंद में आ गया है, उसकी भी पढ़ाई शुरू हो गई है। चिरको महाविद्यालय पहले एक छोटे से स्कूल में लगता था, उसके लिए हमने पैसा पास करा लिया, वो बिल्डिंग अगले 2-3 महीने में बन के तैयार हो जाएगी, काम चालू हो चुका है। तो पढ़ाई के लिए हम लोग लगातार, पढ़ाई का स्तर कैसे अच्छे से हो उसके लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत स्थिति खराब है आज के डेट में। जो हम लोग ने 15 साल में जो विकास किए हैं, कॉलेज खोले हैं, टेक्निकल कॉलेज खोले हैं, कृषि कॉलेज खोले हैं और हर क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज खोले हैं, हर क्षेत्र में हमें लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार का ही देन है जो दिख रहा है। कांग्रेस सरकार में कुछ उपलब्धि नहीं। विधायक बनने के 8 महीने के अंदर हमने 4 डायलिसिस मशीन स्टार्ट करा लिया, आज कीमोथेरेपी हो रहा है। महासमुंद को मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद जो डॉक्टरों की संख्या यहाँ बहुत कम थी, आज हर रोग विशेषज्ञ यहाँ आ चुके हैं। तो पहले जो महासमुंद रिफर सेंटर कहलाया करता था, वो आज मान के चलो बड़े बड़े बीमारियों का इलाज महासमुंद में हो रहा है। महासमुंद क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि कोई नया स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है, न कोई समाधिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, न डॉक्टर की संख्या बढ़ा है, वही स्थिति है। आज हम लोग जो है 15 साल में जो हम लोग ने काम कोई दिखता है नया कोई खास उपलब्ध। बता देना चाहूँ कि आज महासमुंद विधानसभा में सड़कों का जो हाल है, एकदम बढ़िया चमचमाती सड़कें हैं। जैसे आप जाएंगे यहाँ से अगर झलप भी जाएंगे तो हाईवे का रोड है, उधर से अगर अन्य गांव पहुँचने का है, सिरपुर पहुँचने का है, या जितना भी पहुँच मार्ग है, मेरे यहाँ सब अच्छे रोड बने हुए हैं। और सड़क 4-5 सड़क बना अभी 5 साल में, और जो लोग गाँव में जाते हैं और भूमि पूजन करके आ जाते हैं और उसके बाद सड़क बनते दिखते नहीं, केवल घोषणाएं हो रही है, सड़क बन नहीं रहा है। और गांव-गांव में आज स्थिति इतना खराब है कि गाड़ी चलना मुश्किल है, दुर्घटना होती है, इसके कारण कई लोग घायल होते हैं, कई लोग का तेज भी हो जाता है, ऐसी स्थिति है। और घोषणा करके ये लोग अमल नहीं कर रहे हैं।